जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर के बारे में। जब से एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 1A को लेकर के खबरें सामने आई हैं, तो बहुत सारे लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर के बढ़ गई है कि तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर का करंट स्टेटस क्या है। हालांकि तेजस मार्क 2 की बात इस वीडियो में नहीं होगी, यहाँ पर हम बात करेंगे उन दो डिजाइनों की जो कि आडा के द्वारा प्रपोज की गई थी, और उनमें से कौन से डिजाइन भारतीय नौसेना ने सेलेक्ट की है, और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कहाँ तक पहुंचा है, इसके बाद के स्टेप क्या होंगे, और कैसे टेडबीएफ की एक नई टाइमलाइन सामने रखी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम ये जानेंगे कि कैसे टेडबीएफ हमें मिनी एमका के तौर पर देखने को मिलेगा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। टेडबीएफ के बारे में अगर कोई भी संदेह है तो इस वीडियो में आपका अवश्य दूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही के दिनों में हमें एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 1A से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं, ये काफी देखने को मिली, और उसके बाद एक प्रश्न जो कि काफी निरंतर पूछा गया वो था ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और तेजस मार्क 2 से संबंधित। तो इस वीडियो में हम बेसिकली पहले बात करेंगे ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के बारे में, और हम ये जानेंगे कि कैसे टेडबीएफ की टाइमलाइन शिफ्ट हुई है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और टेडबीएफ की पहली उड़ान हमें कब तक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय नौसेना को इस समय स्वदेशी फाइटर जेट्स का बेसब्री से इंतजार है, और भारतीय नौसेना की एक टीम बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की टीम के साथ संपर्क में है, और हर प्रकार की जरूरी मदद भारतीय नौसेना के द्वारा इस प्रोग्राम से संबंधित जो है वो प्रदान की जा रही है। अब भारतीय नौसेना अपने जो MiG-29K की फ्लीट है उसको टेडबीएफ से ही रिप्लेस करेगी, तो ये चीजें और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है कि ये एयरक्राफ्ट समय पर तैयार किए जाए। अब इसको लेकर के हम सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि INS विक्रांत, उसके सिस्टर क्लास शिप और सुपर कैरियर में हमें यही एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, और इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है इसको कंप्लीट करने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि जो CDR है सभी सिस्टम का वो 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और ये रिव्यू पूरा होने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रोसेस कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो कह सकते हैं फंड्स की डिमांड है ये की जाएगी। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय नौसेना ने दो इनिशियल डिजाइन प्रपोजल्स को कंसीडर करने के बाद एक डिजाइन को सेलेक्ट किया है, उसे अप्रूव किया है, और इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी उसी चोजन डिजाइन पर अपना जो कार्य है ये आगे बढ़ा रही है। ये यूं कह लें जो CDR प्रोसेस है उसी में आगे बढ़ रहा है। एक बार जैसे ही CDR कंप्लीट होगा तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो फाइनल अप्रूवल है ये भारतीय नौसेना के द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फंड्स की डिमांड की जाएगी। एक बार जैसे ही CCS का क्लियरेंस मिलता है तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो पहला प्रोटोटाइप है ये 4 वर्ष के अंतर्गत तैयार कर लिया जाएगा, यानी जैसे ही CCS का अप्रूवल मिलेगा 4 वर्षों के अंतर्गत जो पहला प्रोटोटाइप है TBF का वो हमें देखने को मिल जाएगा। इनिशियली ये माना जा रहा था कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की पहली उड़ान हमें 2026 तक देखने को मिलेगी, लेकिन अब एक अनुमान के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट हमें 2028 से 29 तक देखने को मिलेंगे, और उसके बाद इनका जो प्रोडक्शन है ये 2032 से शुरू हो सकता है, ऐसा अनुमान है। हालांकि ये अनुमानित टाइमलाइन है, ये आडा का ऑफिशियल बयान नहीं है, इसलिए हम एकदम दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि यही टाइमलाइन होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं इस एयरक्राफ्ट के लिए अधिकतर सिस्टम ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि तेजस मार्क 2 से बोरो किए जाएंगे, तो ऐसे में ये चीजें फास्ट ट्रैक भी हो सकती हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की इनिशियली 45 यूनिट्स खरीदी जाएंगी, और आगे चल के ये संख्या 100 को पार कर सकती है, इसका भी पूरा अनुमान है। और जो शुरुआती प्रोटोटाइप्स हैं इनको पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, और एक अनुमान के हिसाब से जो प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे उसमें से जो लेटर वेरिएंट्स होंगे ये स्वदेशी 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से पावर होकर के आएंगे, और अधिकतर टेक्नोलॉजी इसमें एमका मार्क 2 से बोरो की जाएगी, और यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट इसे 5th Gen-Minus Aircraft की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर टेक्नोलॉजीज हमें 5th Generation फाइटर एयरक्राफ्ट की देख मिलने वाली है। अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी CDR कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के फंड्स की डिमांड करेगा, और जैसे ये फंड्स अप्रूव हो जाएंगे तो युद्ध स्तर पर जो कार्य है इसे आडा के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारतीय नौसेना ने जो डिजाइन सेलेक्ट की है वो क्या है, और टेडबीएफ की जो नई डिजाइन है वो हमें कैसे देखने को मिलेगी, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
दोस्तों एक बड़ा ऑब्जर्वेशन था एयर इंडिया 2023 में जब टेडबीएफ के मॉडल को सामने रखा गया था और उस दौरान कुछ मेजर डिजाइन चेंजेस को नोटिस किया गया था। जैसे कि जो टेडबीएफ प्रदर्शित किया गया था उसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन था वो पुराने टेडबीएफ की तुलना में थोड़ा अलग था, क्योंकि जो पुराना टेडबीएफ था उसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन था वो 11.2 मीटर का था और फोल्डेड विंग स्पैन जो था वो 7.6 मीटर का था। लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई है उसमें इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है ये 11.6 मीटर का है और जो फोल्डेड विंग स्पैन है ये 8.3 मीटर हो चुका है, यानी जो ओवरऑल विंग स्पैन है ये 0.4 मीटर तक बढ़ाया गया है। वही अगर हम नए विंग एरिया की बात करें तो वो 53.5 स्क्वायर मीटर का होने वाला है। पहले टेडबीएफ की जो लेंथ रिपोर्ट की गई थी वो 16.3 मीटर की थी और इसको बढ़ा करके अब 17 मीटर कर दिया गया है नई स्पेसिफिकेशन में और इसकी जो हाइट होने वाली है ये 5.65 मीटर की होने वाली है। हालांकि अभी डायमेंशंस में कोई मेजर चेंजेस आपको शायद देखने को ना मिले हो या ऐसा आपको ना लगा हो कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आपको बता दें टेडबीएफ कोई हल्का एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है बल्कि ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट होगा जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 26 टन के आसपास होने वाला है और अपने एक्सटर्नल स्टोर्स में ये 7.5 टन के जो वेपन है इनको कैरी कर सकेगा जिसमें ड्रॉप टैंक्स भी शामिल है। इस एयरक्राफ्ट में आपको 12 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें ये अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं उनको कैरी कर सकेगा। इसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, इसके अलावा इसमें रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, आपको इसमें ब्रह्मोस एनजी और दूसरी जो हथियार है वो देखने को मिलेंगे जो कि इसकी लेथालिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। अब अगर हम बात करें इसके एल्टीट्यूड की तो अर्लियर स्पेसिफिकेशन में 60,000 फीट का जो एल्टीट्यूड था ये प्रदर्शित किया गया था जो कि नई स्पेसिफिकेशन में 55,000 फीट हो चुका है। और मैंने पहले भी कहा कि टेडबीएफ का अधिकतर जो कंपोनेंट होगा ये एमकास को बोरो किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसमें रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए जो नोज कोन है वो इस्तेमाल की गई है और DSI इनटेक जो है इनका इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को थोड़ा इन्हेंस करेंगे। अब अगर हम दूसरे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको वो सभी एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे जो कि एक एडवांस फाइटर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडवांस ASR रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और भी दूसरे जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज है वो इस एयरक्राफ्ट में हमें देखने को अवश्य मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट अपने कैटेगरी का एक बहुत ही एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और निसंदेह भारतीय नौसेना आने वाले भविष्य में एक बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट भी करेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।